लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, बहुत घमंड था तुझे अपनी कुर्सी का, अपनी पोजीशन का। अब देख ली ना मेरी पोजीशन। तूने एक सरकारी कागज पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए मैंने तेरी जिंदगी पर मौत के हस्ताक्षर कर दिए। ये है मेरी पोजीशन। गुड बाय, आई विल नेवर सी यू अगेन। मिनिस्टर साहब, वो ऑफिसर तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। हमने उस कांटे को जिंदगी की जमीन से उखाड़कर मौत के कुएं में फेंक दिया है। अब आने वाला ऑफिसर रास्ते का कांटा नहीं बल्कि फूल बनेगा। फूल। मिस्टर साहब, गांव के कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन सा गांव? सोनापुर। सोनापुर? अरे उस सोनापुर गांव को तो मैं मिट्टीपुर बना दूंगा। मिट्टीपुर, मिट्टी में मिला दूंगा उन्हें। सालों ने मेरी पेटी में एक वोट नहीं डाला,
और अब मैं नेता बन गया हूं तो भीख मंगो की तरह मेरे पास आए, भगा दो सालों को, मेरे पास टाइम नहीं है। पर मिनिस्टर साहब, जनता से मिलने में बुराई ही क्या है? अब बताता उन कीड़ों मकोड़ों को कि मेरी पोजीशन क्या है। चलो। नमस्ते जी। बधाई हो मंजीत सेठ, आप नेता बन गए, बहुत बहुत बधाई हो। हम सोनापुर गांव से आए हैं जी। मालूम है, आगे बको। हुजूर, हमारे गांव ने जो स्कूल बनने की एप्लीकेशन दी थी वो रद्द कैसे हो गई? जो गांव बिना पढ़े लिखे इतना सियाना बन गया है, मेरा दुश्मन बन गया है, मेरी अपोजिशन पार्टी के जूते चाटता है, मेरी पेटी में एक भी वोट नहीं डालता, उस गांव में मैं स्कूल नहीं शमशान बनाऊंगा, शमशान, और उसमें पूरे सोनापुर गांव वालों को जिंदा जला दूंगा, जिंदा। नहीं नहीं मंजीत सेठ, अब गुस्सा थूक भी दीजिए हुजूर। अच्छा, मेरा गुस्सा क्या किमाम वाला पान है जो थूक दू? कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं नेता की कुर्सी पर हूं तुम्हारे गांव में कोई स्कूल नहीं बनेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई कुआं नहीं बनेगा, कोई अस्पताल नहीं बनेगा, यहां तक कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गांव की बिजली भी कट जाए, तुम्हारे गांव में जो छोटे मोटे पक्के रोड है ना उन्हें तुड़वाकर कच्चे रास्ते बना दूंगा, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि मुझे वोट न देने की सजा क्या होती है। ये तो घोर अन्याय है। हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो जाओ मेरे खिलाफ आवाज उठाओ, जाओ। अब तो अदालत भी मेरी है, जज भी मेरा है, जज की कलम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है और कानून भी मेरा है, जाओ। मंजीत सेठ, ये मत भूलो कि कानून की अदालत से भी ज्यादा ताकतवर एक और अदालत है, वह जनता की अदालत। देखते क्या हूं, मारो साले को। इन्हें जान से मत मारो, ये जख्म, ये चोटे, ये मेरी तरफ से इन्हें तोहफा है, ये तोहफा इन्हें सोनापुर ले जाने दो, ताकि सोनापुर का बच्चा बच्चा जाने कि मंजीत सेठ से पंजा लड़ाने का अंजाम क्या होता है। जाओ जाओ अपने गांव और बनाओ जनता की अदालत, देखता हूं कौन मुझे सजा देता है। अरे मौसी, अपना शंकर जेल तोड़कर भाग गया है, अब वो मंजीत सेठ को जिंदा नहीं छोड़ेगा मौसी, देखना। हाँ, शंकर भैया जेल तोड़कर भाग गए। हेलो मंजीत, तेरे पापी शरीर का विनाश करने वाला, तेरे काले कर्मों का, तेरी काली दुनिया का सर्वनाश करने वाला शंकर, अब तू चंद सासों का मेहमान है मंजीत खुराना, मासूमों की जिंदगियों पर मौत के हस्ताक्षर करने वाले तेरे माथे पर मौत का तिलक मैं लगाऊंगा। कल बोर्ड रेस में जीतने वाले को जब तू इनाम देगा, तब मैं तुझे मौत की सौगात दूंगा। Thank you.
सर, मैंने आपके प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, फिर भी आप उस बोट रेस में ना जाएं तो अच्छा होगा। ना मैं दुश्मन से डरता हूँ ना मौत से, दुश्मन की गर्दन पर पाँव रखकर जीता हूँ मैं। मैं बोट रेस में जाऊंगा और 100% जाऊंगा। मगर सर, जेल से भागा हुआ मुजरिम बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? मतलब मैं बुजदिल बन जाओ, कायर बन जाओ, हाथ में चुड़िया पहनकर दरवाजा बंद करके घर में छुप जाओ? नॉनसेंस। अरे मेरी पोजीशन क्या होगी? मालिक, पोजीशन को मारो गोली, पहले बचने का सोचो। वो छुपने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं छुपना, क्योंकि मारने वाला अगर मारने की सोचे ना तो सचमुच मार देता है। वो आपको मारने आएगा तो मुझे भी मार देगा ना। चुप। मैंने क्या किया? मैंने तो आइडिया दिया। सर, मेरी मानिए तो इस साल आप बोट रेस में मत जाइए। बोट रेस में जाना हमारी खानदानी परंपरा है, बरसों से हमारे बाप दादा जीतने वालों को ट्रॉफी देते आए हैं। क्या एक कैदी की वजह से मैं अपनी खानदानी परंपरा तोड़ दूं क्या? लेकिन सर, वो एकदम खुली जगह है जहां बोट रेस है, दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहां है? सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर, मैं आपकी जिंदगी पर रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का इंतजाम करूंगा, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो मौत के तूफान से जिंदगी को बचाने का साहस रखती है, जो खुद एक आंधी है, एक तूफान है, एक जलजला है। सुनती हो भाग्यवान? अबे हो पत्नी नंबर टू। अजय क्या है, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? देख, मैं ये रंग बिरंगी गोलियां लाया हूँ। मगर ये गोलियां है किस काम की? संतान की, औलाद की। ये गोली खाने से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा? जैसे लोकल ट्रेन लेट होने के बाद अपना टाइम कवर करने के लिए डबल स्पीड पकड़ती है, वैसे मैं भी डबल स्पीड पकड़ूंगा और अपना कोटा पूरा कर दूंगा। रहने दो रहने दो, मुझे मालूम है तुम्हारी स्पीड, कोटा पूरा करूंगा। चैलेंज, आप ही दिखाता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्या आज तुम्हें मिनिस्टर साहब के यहाँ नहीं जाना है? मरना है क्या? अगर मैं वहाँ गया ना तो तू विधवा हो जाएगी,
वो शंकर है ना, वो मिनिस्टर साहब को मारने के लिए आ रहा है। अगर वो उन्हें मारेगा तो मुझे थोड़ी छोड़ने वाला है, मुझे तो जीना है और तेरे साथ लंबी बच्चों की ट्रेन बनानी है। अजी छोड़ो जी, तुम क्या बनाओगे बच्चों की ट्रेन? अगर बच्चा पैदा करने लायक होते तो वो पत्नी नंबर वन तुम्हें छोड़कर भागती नहीं। देख, तुम मेरे जवानी को, मेरे खुददारी को मत ललकार। अच्छा तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगा। भूचाल? जिस दिन भूचाल आएगा ना, तो उस दिन मैं देख लूंगी। बच्चों की ट्रेन बनाओ। अभी दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, बनाऊँ। गले में कोई हार नहीं डालेगा। ये क्या किया आपने? सर, ये आपकी सुरक्षा के लिए। बाकी सब इंतजाम तो ठीक है ना? मिनिस्टर साहब, अगर शंकर यहाँ आया, या तो वो गिरफ्तार होगा या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार होगा। आइए सर। मंजीत सेठ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, इस साल की बोट रेस को आशीर्वाद देने के लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय पधार चुके हैं। अब बोट रेस का कार्यक्रम शुरू करो। अब मैं बोट रेस जीतने वाले से विनती करता हूं कि वो स्टेज पर आए और मंत्री महोदय के हाथों से अपना इनाम स्वीकार करे।
जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, कम ऑन। ओ पत्नी नंबर टू, ओ पत्नी नंबर टू। ओ, ओ, क्या है आप क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी मिनिस्टर साहब है ना, हाँ? शंकर ने उनका हाथ काट डाला। हाँ? अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था। अब कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। तू क्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना जबरदस्त वार होने के बावजूद मैं जिंदा कैसे बच गया। मालिक मुझे भी शक हो रहा है, आप डॉक्टर को बुलाकर दोबारा चेक कर लो, हो सकता है आप मरे हुए हो और आपकी आत्मा बोल रही हो। तो क्या, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आइडिया दिया। बहुत उल्लू है, बहुत उल्लू है ये। करेक्ट, इसलिए मैं रात भर जागता रहा और आपको पहरा देने वाली पुलिस सो रही थी। अरे शट अप, तू क्या। मैडम शंकर उस गांव में छुपा हुआ है और वहां जाने का रास्ता सिर्फ बोट है। ठीक है, बोट का इंतजाम करो। मैडम वो देखिए सामने। भगवान के लिए आप वापस चली जाइए। मैं मुजरिम शंकर को गिरफ्तार किए बिना वापस नहीं जा सकती। नहीं नहीं, अगर आपने वहां पाँव भी रखा तो हमारा एक भी बच्चा जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे गांव के 30 बच्चे वहां पकड़ रखे हैं। हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। अगर आपकी परछाई भी उस गांव में पड़ गई तो 30 के 30 बच्चे मारे जाएंगे। जरा सोचिए आप। घबराओ मत, बच्चे भी जिंदा रहेंगे और शंकर भी गिरफ्तार होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शंकर इस गांव से बच के ना जाने पाए। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं। मैडम इन गांव वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए, मैं इस गांव का चप्पा चप्पा जानता हूं। अगर आप चाहें तो शंकर को गिरफ्तार कर सकती हैं। नहीं, मैं एक गुनेगार की गिरफ्तारी पर 30 मासूम बच्चों के खून की होली नहीं खेल सकती। 30 क्या, 300 बच्चों की भी गर्दनें कट जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं। जा उस गांव में घुस जा, मुझे शंकर की गर्दन चाहिए, शंकर की गर्दन। खुराना साहब, वो गांव वाले पुलिस को जंगल में दाखिल नहीं होने देंगे। अरे उन गांव वालों की ऐसी की तैसी, उन गांव वालों ने मुझे क्या दिया, इलेक्शन में एक वोट तक नहीं दिया। इंस्पेक्टर तू जा, सारा पुलिस फोर्स लेकर जा, उस गांव में घुस जा, अंधाधुंध गोली मार कर दे, सारे गांव वालों की लाशें गिरा दे, सारे बच्चों को मार डाल, खून की नदियां बहा दे। लेकिन याद रख, उस खून की नदी में एक लाश तैरती हुई जरूर नजर आनी चाहिए, शंकर की लाश। ठीक है खुराना साहब। शंकर, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी ले, आराम हो जाएगा। पापा जल्दी आना। ये क्या है हाँ? एक मुजरिम को पकड़ने के लिए ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा सर? और क्या, ये टेंट, ये घेराव, ये पहरेदारी। सर मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए ये पहरेदारी बहुत जरूरी है। एक हफ्ता गुजर चुका है, अब तक तुमने क्या किया है? सर मेरा बस चले तो मैं अपनी जान कमा कर भी उस मुजरिम की धज्जियां उड़ा दूं, मगर मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सर आप जानते हैं उस मुजरिम ने गाँव के 30 बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा है। उन मासूमों की जिंदगी का सवाल है सर, अगर हमारे कारण उस मुजरिम ने उन बच्चों की हत्या कर दी तो। अगर वो उन बच्चों की हत्या करता है तो करने दो, 30 बच्चों की हत्या के डर से हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मेरे बच्चे, पापा, डीएसपी साहिबा, जरा इधर देखो मेरे बच्चे को बचाओ। सुनो, मेरे बच्चे को बचाओ। इन पुलिस वालों को रोक लो। रुक जाओ, रुक जाओ।
बंदूकें फिंकवा दो। बंदूकें फेंक दो। बच्ची को छोड़ दो। बच्ची को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले इस जगह को छोड़ दो, इस सारी पुलिस के पहरे को हटा दो, वरना इस डीआईजी की बच्ची को जान से मार डालूंगा। मेरी टिप्पणी को छुड़ाओ। ज्योति, नो, ज्योति, नहीं ज्योति, हेरो, नो। कमांडर, नहीं, ज्योति, नहीं ज्योति, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक जाओ, मैं गोली मारूंगा। ज्योति, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना। मेरी बच्ची। सो, अब तो आपको एहसास हुआ होगा कि एक बच्चे की जिंदगी में एक माँ और बाप की जिंदगी भी होती है, उन बच्चों की जिंदगी कितनी कीमती है। तुम क्या चाहते हो मन में सोच लो, मेरा तोता बाहर आएगा, एक चिट्ठी उठाएगा, तुम क्या सोच रहे हो वो कब कैसे होगा वह सब बताएगा। कितना पैसा लोगे? 5 रुपया। 5 रुपया? बाजू वाला तो अटन नहीं लेता। नहीं है भाई, मुझे नहीं पड़ता। अरे थोड़ा तो कंसेशन दो यार। चलो तुम पहली बार आए हो, 1 रुपया कम देना। तुम्हारा ये तोता उधारी में चिट्ठी नहीं उठाता क्या? नगद। तुम्हारा तोता बोलता भी है? तोता बोलता भी है, मन की बात जानता भी है। अच्छा, ये लो 5 रुपया, 1 रुपया कंसेशन का। छूटा नहीं है। छूटा नहीं है? तोते महाराज पूरे 5 रुपए दिए, अब तो बाहर आजा। आजा आजा आजा। हाँ, ये तोते महाराज ये बता दे, मैं बाप कब बनूंगा, मेरी आशा कैसे और कब पूरी होगी? इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी आशा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और तुम्हारी आशा पूरी करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। ज्योतिषी ने भी मुसीबत में डाल दिया, कुछ भी वक्त है। ए, दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? हमने खोला। तू कौन है बे? नाम बाके, गांव टांके, डिस्ट्रिक्ट झुमरी तलैया, तुम्हारा रिश्तेदार। अच्छा, तुम्हारी आशाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, उन्हें पूरा करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। झुमरी तलैया, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, वहां मेरा रिश्तेदार कहां से आ गया? आ गया, वहीं से आ गया, झुमरी तलैया से। भैया, मैं तुम्हारी पत्नी की, मौसी की, ननंद की, जेठानी की, देवरानी का दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हो ना, तो नजदीक आने की क्या जरूरत है? चल। है जरूरत है, ये राज की बात है। कौन से राज की? मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। किसी की तलाश में? नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? नौकरी तुझे मिलने वाली जाएगी? नहीं मिलेगी। यहीं पे मिलेगी। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मिलेगी। किसको ढूंढ निकालूंगा? नौकरी को। और नौकरी मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहीं पर। क्या? मेरे साथ रहोगे? तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ। एक ही बात है। एक ही बात? मेरे बीवी के साथ रहेगा तू? मैं तुम्हारी बीवी की, मौसी की, ननंद का। बाहर निकल। अरे 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 अरे, रुके, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा रिश्तेदार है। मालूम है, आपके मासी के, जेठानी के, ननंद के, देवरानी के दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हो, नजदीक जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो झुमरी तलैया से मैं यहाँ आया हूँ, और अब मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो भागो 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 भागो। देखो जी, अगर तुमने इसे यहाँ नहीं रहने दिया तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, पत्नी नंबर 2, ऐसा मत करना। अगर तुम चली जाओगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तू कहती है तो मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर।
आप उस कमरे में रहोगे ओके, मेरी पत्नी से दूर ओके, और तुम ऊपर के कमरे में। और तुम कहाँ सोओगे? मैं कहाँ सोऊंगा, मैं तो जागूंगा, इस सीढ़ी पर बैठकर निगरानी रखूंगा कुत्ते की तरह। कितना अच्छा आदमी है तुम। जाइए रूम में, जाइए अपने रूम में। चलो 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 ओके। खुश ना, खुश ना, जाइए खाना बनाइए। ये रिश्तेदार आए हैं, अगर पंडित नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, दिन रात जागता रहूंगा, लेकिन इस बदमाश को पत्नी के पास नहीं आने दूंगा। उस गांव वाले के पीछे पीछे जाकर गांव में शंकर का पता लगाओ। हाँ। आज रात को उसे गोली मार दो। ठीक। मंजीत सेठ सिर्फ शंकर की लाश देखना चाहते हैं। हाँ। वो क्या है कि प्रमोशन का सवाल है ना। ठीक, ये ले पिस्तौल, जा उड़ा डाल उसको, उड़ा डाल। शंकर ले दूध पी ले। तेरा जख्म कैसा है बेटा? मेरा जख्म बहुत गहरा है मौसी, दवा से ठीक नहीं होगा। मेरा जख्म तो उस कमीने मंजीत की मौत से ही ठीक होगा। भगवान से प्रार्थना करना, जब तक वो पिल्ला जिंदा है भगवान मेरी सांसें ना छीने। चल चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। तुम्हें मारने आया था, इसे यही सजा मिलनी चाहिए। मगर इसे जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? ये तो मंजीत की उंगलियों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। शंकर भैया, अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो? शंकर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, खोल दे इसे। मुझे माफ कर दो शंकर भैया, मुझसे गलती हो गई। जाओ, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। Thank you.
तेरे को क्या मुसीबत हो सकती है? मुसीबत को कोई मुसीबत होती है क्या? अरे ये लोग पकड़ो अपनी अठनी, मुझे अपने नाव में बैठने दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है, पकड़ अपने अठने। इसमें तेरे को जगह दिखती है क्या? ये नहीं, मैं यहाँ बैठूंगी। यहाँ बैठेगी? अरे यहाँ तो वो बाबूजी बैठेंगे, वो देख सामने खड़े हैं। कौन हो तुम? मामा, हाय माँ, मैं मर जाऊँ। बाबूजी, मुझे उस पार जाना था, वो नाव वाला कहता है कि जगह नहीं है। वो कभी माँ बनता तो उस औरत के दर्द का पता चलता, फिर यही कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नाव वाले जी बाबूजी, अरे इसे पहले ले जाओ, मैं दूसरे फेरों से चला जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आप बहुत दयालु हैं, भगवान आपका भला करे। ठीक है आप जाइए जाइए। धोनू काका, अब बोलो मुझे तुम उस पार ले जाओगे कि नहीं? अरे उस पार तो ले जाऊंगा, मगर तेरा ये पेट। सुनो धोनू काका, अगर तूने मेरी पोल खोली ना तो मैं तुम्हें धोख कर रख दूंगी, गांव में चलना फिरना मुश्किल कर दूंगी। जरा हटो, हमें बैठने दो, चल आ जा मुन्नी, गोपो गोपो चलो। अरे रुको रुको, अगर तुम लोग इस नाव में बैठोगे तो नाव तो डूब जाएगी, हमारा क्या होगा, हम तो उतर जाते हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, अभी सब जन बैठो। ओ बाबूजी, राम राम। बेचारे। अरे भाई सुना है कोई नया अफसर आया है इस गांव का सुधार करने के लिए? तो जरूर मंजीत सेठ का चमचा होना चाहिए। ये लो आ गया। अब ये भी मंजीत के इशारे पे नाचेगा और अपनी जेबें भर के चल देगा। पर आप हमें ये पंजा क्यों दिखा रहे हैं? ये पंजा नहीं, पांच उंगलियां हैं, ये समझाने के लिए कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। यहां आने वाला हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होगा। सरपंच, सोनापुर की कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस गांव ने मुझे एक भी वोट नहीं दिया था। इसलिए इस गांव में ना कोई स्कूल बनेगा और ना कोई अस्पताल बनेगा। पर खुराना साहब, यह तो तभी हो सकता है जब ये नया ऑफिसर आपकी बोली बोलने लगे। बोलेगा, जरूर बोलेगा, इनके सुर में सुर मिलाकर बोलेगा। इसलिए शाम के पार्टी में उसको बुलाया है। क्या आइडिया है साहब? फाइल कल मंजीत सेठ ने बुलाया है, पार्टी है, वहां जा रहा हूं। अरे भैया इसका कसूर नहीं है, तुम तो जानते ही हो मंजीत सेठ को, हर आने वाले नए ऑफिसर को अपनी बोतल में उतार ही लेता है। आज तो आपके सवालों से असेंबली में मिनिस्टर पांडे चक्कर खा गया। क्या करता है, साले को बहुत चर्बी चढ़ गई थी इसलिए पिघला दिया। बहुत अच्छा किया आपने, उसे सबक सिखाना जरूरी था। लो आ गया नया अफसर, ये है मिस्टर शंकर और ये है हमारे मालिक मंजीत खुराना साहब। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आइए इनसे मिलिए, AIG मिस्टर किरण कुमार, मिस्टर शंकर। हेलो हेलो। और ये MLA जगजीत सिंह। नमस्कार। आओ बोलो क्या पियोगे, देशी शराब या विदेशी शराब? अगर हम ये कहें कि हम शराब नहीं पीते तो झूठ होगा, मगर आपके सामने ना पिए तो ही अच्छा है। बहुत समझदार हो, तरक्की करोगे। चलो दोस्ती का हाथ हम खुद ही बढ़ाते हैं। इनसे दोस्ती करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। लो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ हो जाएगी तो हम देख लेंगे। लो चीयर। चीयर।
सर कहाँ जा रहे हो? स्कूल की जगह मुकरर करने। मंजीत खुराना की मर्जी के खिलाफ। देखो भाई, मंजीत साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो उन्हें बुरा लगे। मैं तुम्हारी तरह मंजीत साहब का खरीदा हुआ गुलाम नहीं। तो फिर ठीक है अफसर, स्कूल की जगह मुकरर करने से पहले अपनी समाधि की जगह भी मुकरर कर लो, ताकि तुम्हारी मौत के बाद आने वाले दूसरे अफसर के लिए वो समाधि एक सबक बन जाए, एक इतिहास बन जाए। इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। वाह भाई वाह,
तुम्हारे विचार तो बहुत ही बढ़िया हैं। अब तो तुम्हारे विचार ही नहीं, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुजदिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गाँव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मंजीत साहब, आपने गांव में बैलगाड़ी को तो चलते हुए देखा होगा, उस गाड़ी के नीचे एक कुत्ते को भी चलते हुए देखा होगा। उस कुत्ते को यही गलतफहमी रहती है कि गाड़ी का सारा बोझ वो खुद उठाए चला जा रहा है। इसी तरह हर नासमझ इंसान को यही गलतफहमी रहती है कि दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। यह गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, सुखी रहेंगे। पागल हो गया है तू? क्यों चाहता है तू इस गांव की तरक्की? क्या तूने इस गांव में जन्म लिया है? ये गांव ही नहीं, पूरा देश मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब सर, अब भी समझ जाओ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छा नहीं रहता। ये भी मत भूलो मंजीत खुराना, मगर को भी कभी ना कभी किनारे आना ही पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जनता से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लो, वरना जो जनता नेताओं को सर पे बिठाती है ना, जरूरत आने पर पैरों तले कुचल भी देती है। खामोश। इस ऊंची आवाज को गले में दबा कर रखिए, विधानसभा में काम आएगी। लगता है अब इस गांव के अच्छे दिन आ गए। साहब, मंजीत के आदमियों को मारकर आपने इस गांव में एक मिसाल पैदा कर दी है। साहब, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत बहादुर निकले साहब। बहादुर तो तुम लोग हो जिन्होंने मंजीत जैसे कमीने आदमी की पेटी में एक भी वोट नहीं डाला था। अब तो जंग छिड़ चुकी है, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, जिसमें जीत हमारी ही होगी। शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की।
तुम्हें नकली माँ बनने का नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मैं? हाँ माँ? हाँ तुम्हारी आंखें तो ठीक है? मेरी आंखें बिल्कुल सही है। उस दिन घाट पर तुम ही थी ना पेट वाली माँ, आज पेट गायब। हाय राम, अब समझ में आया गड़बड़ क्या हो गई। मेरा नाम मालती है, तुमने जरूर मेरे जुड़वा बहन रेणु को देखा होगा। रेणु? हाँ रेणु, बेचारी आजकल में माँ बनने वाली है ना। कमाल है, तुम्हारी और रेणु की शक्ल बिल्कुल मिलती है। यही ना? हाँ। यही तो है भगवान की लीला। बचपन में माँ भी धोखा खा जाते थे। माफ करना, नया नया आया हूँ ना गाँव में, इसलिए गलती हो गई। कोई बात नहीं। एट। ओ बाबूजी, क्या है? गलती तो तुमसे अब हुई है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें उस दिन भी बुद्धू बनाया था और आज भी। ये होता होता। शंकर। पर मेरा शंख तुम्हारे पास कैसे आया? ये शंख तुम्हारी जुड़वा बहन रेणु का है ना? रेणु? कौन रेणु? वही तुम्हारी हमशक्ल। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुद्धू बनाया। हाँ, नहीं, 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 मुझे मेरा शंख दे दो ना। पहले अपने कान पकड़ो और एक उठक बैठक करो, पहली बार मुझे नकली पेट दिखाने के लिए। चलो। तो और एक बार, ये झूठ बोलने के लिए वो तो मेरा पेट था ही नहीं। चलो। ये शंख तो शंकर के हाथों में ही अच्छा लगता है। देखो ये शंख मुझे एक बहुत बड़े साधु बाबा ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। फिर झूठ? नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्या चिकनी लग रही है बात है। हाय हाय, ये तो सोनापुर गांव का सोना है सोना। अरे यार ते तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, है ना? चल। अरे ओ गोपू, ए गोपू, तुम लोग ये कौन सा खेल खेल रहे हो? टमाटर का खेल। बड़ा मजा। अच्छा तो मैं भी खेलूंगी। तुम ये खेल नहीं खेल सकते। क्यों? ये खेल तो बच्चे लोग खेलते हैं। ए अरे ओ मुन्नी, जब तुम लोग मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते हो तब मैं बच्ची नहीं लगती क्या? तुम अपना साथी खुद ढूंढ लो और हमें शांति से खेलने दो। क्या है? जरा इधर आना तो। आता हूँ। क्या बात है मुन्नी? देखिए ना, ये हमारे साथ टमाटर का खेल खेलना चाहती है। टमाटर का खेल? ये कौन सा खेल है?
ये बड़ा मजेदार खेल है अंकल। टमाटर को किसी के हाथ पर रख कर उसे छुए बिना ही धकेलते हुए उसके मुंह तक ले जाना पड़ता है। आप खेलेंगे हमारे साथ? अरे ये बच्चों का खेल मैं कैसे खेल सकता हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि खेलने से डरते हो? मैं इन बच्चों से डर जाऊंगा? लगता तो ऐसे ही है। क्यों भोपू, ये तो मर्दों वाला खेल है, इसके बस की बात नहीं। ए, तू मेरी मर्दानगी को ललकार रही है? हाँ? ए दे। ये ले। चला जाओ मैदान में, देखता हूँ। We'll be right back.
खुशबू को लूटे, खुशबू लुटाए, खुशबू को लूटे, खुशबू लुटाए, हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल, दीदी सुमी सुमी दीदी सुलु सुलु, दीदी सुमी सुमी दीदी सुलु सुलु, दिल की हालत किसको बताए, दिल की हालत किसको बताए, हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल, दीदी सुमी सुमी बेटी, शहर से आए उस नए अफसर शंकर के साथ तेरा इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे हैं, तू बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची। देखो मौसी, मुझे अपने शंकर पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा है। मैंने कब कहा कि शंकर बुरा है? लेकिन बेटी, कोई किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि वो कैसा है, उसके मन में क्या है। शंकर से पहले जो अफसर यहाँ आया था, उसने भी तो कमला के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, पर जो शहर गया आज तक लौटकर नहीं आया। और बेचारी मीना का क्या हुआ? उसने तो एक शरीफ बाबू के साथ विवाह तक कर लिया था, लेकिन उसने उसे ऐसा धोखा दिया कि बेचारी मीना को कुएं में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। बेटी, मौसी, मुझे अपने शंकर पर विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है, मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझे मेरी देवी माँ पर विश्वास है। बेटी, एक फूल उठा लेना। अगर देवी माँ किसी का विवाह स्वीकार नहीं करती है तो हाथ में सफेद फूल आता है, अगर फूल लाल हुआ तो समझ लो देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया, तब आप दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। अब जल्दी से मंदिर का एक फेरा लगाकर आ जाओ। मतलब देवी माँ को मेरा और शंकर का विवाह स्वीकार नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों किया पगली? अरे अब तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। शंकर बाबू, शंकर बाबू, अरे क्या हुआ? शंकर बाबू, शंकर बाबू, अरे चिल्ला चिल्ला क्यों रही है? मेरे मामा की चिट्ठी आई है। फिर झूठ? नहीं नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी कसम। हाँ, शहर में मेरे एक मामा रहते हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के जरा पढ़ दीजिए ना।
तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे पगली, आज की दुनिया में हर इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है। छी 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 छी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, घर वालों को पता चल गया कि मेरी होने वाली बीबी अनपढ़ है, मेरी तो नाक कट जाएगी। ओ, आपकी नाक कट जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। दुख होगा ना, दुख ना हो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। पढ़ेगी? अरे इतने जोर से चिल्लाओगे तो गधे के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लग जाएंगे। बोलो आ, 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 लो आ गया कड़वा नीम का पत्ता। कड़वा नीम का पत्ता खुद ही देख लो पलट के। वाह ऑफिसर, वाह, सरकारी कुर्सी की शक्ति का इतना खूबसूरत इस्तेमाल तो हमने भी पहले कभी नहीं देखा। लड़की को पटा रहा है या पढ़ा रहा है? क्या मतलब? क्या मतलब, एक तो गांव की लड़कियों को खराब कर रहा है और ऊपर से मतलब पूछ रहा है। मतलब ये कि तू इस खूबसूरत तितली का पीछा छोड़ दे वरना। खबरदार अपनी जुबान से इस लड़की के लिए एक भी बेहुदा शब्द निकाला तो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख, मैं बाज की नजर रखता हूँ और बाज की तरह शिकार भी करता हूँ, और तू इस शिकारी के इलाके में आकर शिकार कर रहा है। बंद करो तुम्हारी ये बेहुदा बकवास और कान खोल कर सुन लो। मैं मालती को चाहता हूँ और इससे शादी करने वाला हूँ। शादी? तेरी शादी से पहले मैं तेरी बर्बादी करूंगा। मुझे बर्बाद करने के लिए लोहे का दिल और फौलाद के बाजू चाहिए मंजीत सेठ। तू सपने बहुत देखता है ऑफिसर। इस तितली से शादी करने का सपना, इस गांव का धर्मात्मा बनने का सपना। वैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं मंजीत सेठ तेरा कोई सपना पूरा नहीं होने दूंगा। तेरी सासों को, तेरी जिंदगी को बिखेर कर रख दूंगा मैं। तेरे सपनों को शीशे की दीवार की तरह चकनाचूर कर दूंगा मैं। चूर कर दूंगा मैं। चूर कर दूंगा। हमारे दुश्मन को भगवान का अवतार कहता है। इंस्पेक्टर साहब, जीवन देने वाला भगवान होता है। एक बार मुझे भगवान ने जीवन दिया और दूसरी बार शंकर ने। हाँ, शंकर ने। हाँ। सुना इंस्पेक्टर, ये साला हमारा वफादार, जो हमारे दुश्मन शंकर को ही अपना भगवान मानता है। ऐसे सांपों को दूध पिलाएंगे ना तो ये साले उसका जहर बनाकर हमको ही फन मारेंगे, हमको ही डसेंगे। अस्तिन का सांप साला गद्दार। हाँ गद्दार हूँ मैं। तुम लोगों के दबाव में अपने फर्ज से बहुत गद्दारी की मैंने, मगर अब नहीं करूंगा। तुम सबकी काली करतूतें कोर्ट में बताऊंगा ताकि तुम्हारी असलियत जनता के सामने आए। वाह, शंकर ने आग में जलने से क्या बचा लिया, मुंह से आग निकलने लगी। ठीक है, ऐसा सावन बरसाता हूं कि सारी गर्मी साली ठंडी पड़ जाएगी। मुंह से आग निकली है ना, अब बदन से शोले निकलेंगे। मैडम, शंकर। क्या किया शंकर ने? शंकर, हाँ शंकर,
हाँ ओह माय गॉड, देखा मैडम शंकर ने क्या हाल बना दिया इसका। अगर आपने शंकर की चिता जलाने का बंदोबस्त जल्दी से नहीं किया तो वो हमारी पूरी बटालियन को जला देगा, और ऐसे ही एक एक करके सब आपके सामने जलकर दम तोड़ देंगे। शंकर को कहां छुपा रखा है? उसे तो ढूंढना तुम्हारा काम है। ए मिस्टर, शंकर कहां है? डीएसपी साहब, शंकर अगर बुरा आदमी होता तो गांव का कोई भी आदमी आपको उसका पता बता देता। गांव वालों, अब भी समय है, बता दो कि शंकर कहां है, वरना जबान खुलवाना पुलिस वालों को अच्छी तरह से आता है। शंकर एक खूनी है, एक मुजरिम है, और एक मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है। पुलिस ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया है और वह हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता है। खामोश, रुक जाओ। ज्योति जी, शंकर मालती का हत्यारा नहीं है। मेरी मालती की हत्या तो किसी जालिम ने की है। जालिम ने, शंकर तो मालती का सच्चा प्रेमी था, वो भला उसका हत्यारा कैसे हो सकता है? मगर कानून की नजरों में शंकर ही मालती का हत्यारा है, और मैं उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगी। शंकर को गिरफ्तार करने से पहले हम सब पर गोली चलानी पड़ेगी, सारे गांव की हत्या करनी पड़ेगी, आपको सबकी लाशें गिरानी पड़ेंगी। सबकी लाशें गिरानी पड़ेंगी। ये क्या तमाशा है? बंद करो ये नाटक, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तीन तक गिनूंगी, अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं गोली चला दूंगी। एक, दो, तीन। मैं हूं शंकर, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ना, तो कीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए डीएसपी ज्योति, आप चाहे मुझे बड़ी से बड़ी जेल में कैद कर दीजिए, लेकिन आप मेरे इरादों को कैद नहीं कर सकती, मेरी मंजिल को, मेरे मकसद को कैद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा मकसद, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे इरादे सब खत्म कर दूंगी। We'll be right back.
आप भी असली मुजरिम को पहचानने की कोशिश करो। मंजीत इन शोलों में मेरी चेता देखना चाहता है। वो मालती का कातिल है और मालती के कातिल को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मैं उसका अंत करूं, वो मुझे खत्म कर देना चाहता है। आप लोग फिक्र ना करें, हम सब देख लेंगे। धन्यवाद। राणा साहब जो कहते हैं करके बताते हैं। मालिक 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 मालिक, क्या है? आपने जो ज्योति और शंकर को मारने के लिए बम लगाए थे ना, वो फट गए, लेकिन दोनों बच गए। मेरा क्या, आइडिया तो आपका था। अच्छा, शंकर को गिरफ्तार करने से पहले हम सब पर गोली चलानी पड़ेगी। अभी असली मुजरिम को पहचानने की कोशिश करो। मंजीत इन शोलों में मेरी चेता देखना चाहता है। वो मालती का कातिल है और मालती के कातिल को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी और मंजीत की दुश्मनी की वजह जानना चाहती हो ना, तो सुनो। वजह थी मेरी उस गांव से बेपनाह मोहब्बत और मंजीत की उस गांव से नफरत। नफरत और मोहब्बत की इस जंग में जीत मोहब्बत की हुई। मैं मंजीत के रास्ते का पत्थर बन गया, उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। और फिर एक दिन तुम्हारी मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी कुर्सी? अरे मगर अब ये तुम्हारी रही कहां? कलेक्टर साहब ने इस कुर्सी पर से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया है। उठ। हाँ निकल। ज्यादा गर्मी मत खाओ, अब तुम इस गांव में सिर्फ चंद मिनटों के मेहमान हो। ये लो तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, पढ़ लो, गर्मी ठंडी हो जाएगी। हमारे ऑर्डर को फाड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? कलेक्टर साहब, मैं ऐसी हिम्मत कभी ना करता। मैं जानता था वो कागज आपका था, लेकिन उस पर फैली हुई स्याही इनकी थी। शंकर, तमीज से बात करो वरना वरना सस्पेंड कर देंगे। अरे बड़ी कुर्सियों ने छोटी कुर्सियों को सस्पेंड करने के सिवा किया ही क्या है? आई से बिहेव योरसेल्फ। इसके मुंह क्या लग रहे हो? सिपाही उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो इसे। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। अरे दुश्मन तो तू है, उस गांव का दुश्मन, उस गांव की तरक्की का दुश्मन। क्या कसूर है उस गांव का? उस गांव ने इलेक्शन में तुझे वोट नहीं दिया, यही कसूर है ना? अरे काश कि उस गांव की तरह हर हिंदुस्तानी अपनी वोट की कीमत जान जाए। तू जैसा बेईमान नेता कुर्सी के लिए तरस जाएगा, फिर सत्य का राज होगा, सत्य की सरकार होगी और एक नया हिंदुस्तान पैदा हो जाएगा। ए छोकरे, अपने औकात में रहकर बात कर। ए बुड्ढे, जहां तक अपनी औकात का सवाल है ना, तो कान खोलकर सुन ले। एक ऑफिसर बनने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। खामोश, हम अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से सस्पेंड करते हैं। अरे तुम कौन हो तो मुझे सस्पेंड करने वाले? मैं खुद तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। शंकर, स्कूल और दवा खाना बनाने के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत होती है, और अब तो तुमने खुद अपनी नौकरी भी छोड़ दी। कहां से लाओगे इतने सारे रुपए? मालती, मेरे गांव में मेरे पास खेतीबाड़ी की जमीन और हवेली है,
मैं उन्हें भेज दूंगा और उन रुपयों से इस गांव में दवाखाना और स्कूल जरूर बनवाऊंगा। लेकिन शंकर, इस गांव में वो है ना कड़वा नीम का पत्ता मंजीत, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। क्या वो तुम्हें ये सब करने देगा? अब जीऊंगा तो इस गांव के लिए, मरूंगा तो भी इस गांव के लिए। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं होता मानती। अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना, वो क्या बोल रही थी, वो कौन है, वो कड़वा नीम का पत्ता मंजीत अरे वो तो क्या, किसी से भी टकरा जाऊंगा। चलता हूं, जल्दी लौट कर आना। मैं गांव के रास्तों पर हर पल अपनी आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार करूंगी। शंकर, तो वो साला लौंडा अपनी सारी जायदाद बेचकर पैसा लाएगा और यहाँ स्कूल बनाएगा यहाँ। कुछ ऐसी खबर सुनी है मैंने। मालिक, मालिक, क्या आइडिया? क्या? जैसे ही पैसे लेकर वो गांव में आएगा, मैं रास्ते में उसकी गाड़ी पर पत्थर मारकर पैसा छीन लूंगा और अपना घर बनाऊंगा। मैंने क्या किया? मैंने तो आइडिया दिया। अगर एक गरीब का घर बनता है तो आपका क्या जाता है? उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। और सरकार, यह भी सुना है कि वो मालती के साथ शादी भी करने वाला है। हाँ, शादी, देखता हूँ कैसी शादी करता है। उस साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में।
होता है। धड़कने का बहाना ढूंढता है। प्यार की किताबों में महके गुलाबों में, प्यार की किताबों में महके गुलाबों में तेरा ही चेहरा खिला है। सांसों के सफर में नैनों के घर में तू छुप के रहने लगा है, तू छुप के रहने लगा है। दिल करा ही आशियाना ढूंढता है, ओ दिल करा ही आशियाना ढूंढता है। अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, हाँ दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। शंकर के साथ सुहागरात के सपने देख रही है, हाँ? सुना है तेरा यार शंकर बड़े अरमानों के साथ मंजीत सेठ से टक्कर लेने के लिए दौलत की तलवार लेने गया है, लेकिन उसके अरमानों का खून हो जाएगा। मैं तुझे बिना सिंदूर के सुहागन बना दूंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि शंकर की जिंदगी तबाह हो जाएगी। है खबरदार मंजीत सेठ, अगर आगे बढ़े तो गला काट कर रख दूंगी। गला काटेंगे? हाँ गला काटेंगे। काट, 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 आगे मत आना। अच्छा मैं क्या तू गला काट के रखूंगी? नहीं, आगे मत आना। लड़के का कत्ल किया है। इस लड़की का कसूर इतना ही है कि इसने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। देख लो इंस्पेक्टर साहब। मंजू
मेरा गुजरा हुआ कल है। शंकर, मैं मालती मर्डर केस की फाइल को फिर से रीओपन कराऊंगी और असली कन्हैयाकार मंजीत को कोर्ट से सख्त सजा दिलवाऊंगी। ज्योति, जो मुकदमा खत्म हो चुका है और जिसकी सजा से बचने के लिए कैदी लॉकअप तोड़कर भागा है और लॉकअप से भागकर उसने अपने आप को और भी बड़ा गुनहगार साबित कर दिया है, ऐसे गुनहगार को तुम किस बेस पर कानून से बचाने का सपना देख रही हो? सपना नहीं सर, एक हकीकत देख रही हूँ। जब मैं शंकर को कानून के पंजे से बचा लूंगी और असलियत सारी जनता के सामने ले आऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज की किरणें रोशनी लेकर आती है। और सच्चाई ये है सर कि गुनहगार शंकर नहीं, मंजीत है। मंजीत, ये तुम क्या कह रही हो ज्योति? वो तो कल का होने वाला चीफ मिनिस्टर है। सर, ये जरूरी तो नहीं कि बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बड़ी शख्सियत का मालिक गुनहगार नहीं हो सकता, सिर्फ छोटे लोग ही गुनहगार और मुजरिम हो सकते हैं। सर, मंजीत ने अपने दामन पर लगे हुए खून के छींटे बेचारी मालती के कत्ल का इल्जाम शंकर पे थोपा है। सर, मंजीत ने एक बहुत बड़ी साजिश की है। सर, मुझे शंकर का केस रीओपन करने की परमिशन चाहिए। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या दवा ये है? डॉक्टर भी अजीब है, सब नकली दवा दिया, एक भी काम की दवा नहीं। क्या भगवान, बच्चा कब होगा? अजीओ, क्या है? सुनिए ना, दूध लीजिए। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि। अरे क्या बात हो गई? मैं मैं माँ बनने वाली हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई साहब। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे मुंह तो मीठा करो, मुंह तो मीठा करो, मैं तेरा थोपड़ा लाल कर दूंगा। सच सच बता, बात क्या है? बात बन गई, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये तो मुझे पहले से मालूम था। मैं दिखाता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई साहब, नंबर टू। अरे सुनो तो, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे भाई साहब, मालूम था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पत्नी नंबर टू, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चल हॉस्पिटल में चल, मैं तेरा ऑपरेशन करवाता हूँ। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? इतने सालों से आप बाप नहीं बने और मेरे शुभ चरण आपके घर में पड़ते ही आप बाप बन गए, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं, चक्कर क्या? मुझे मालूम है, जब से आप इस घर में आए हो ना, क्या क्या चक्कर चल रहा है, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या क्या चक्कर चल रहा है? मतलब मतलब है? एक ज्योति जी ने मुझे सब कुछ बताया। अरे ज्योतिषी ने क्या बताया? क्या, कौन से ज्योतिषी ने? ज्योतिषी बोला तुम्हें बच्चा होगा लेकिन रिश्तेदार की मदद से पैदा होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो हम दोनों को एक ही ज्योतिषी ने फंसा? मतलब? अरे भाई, मैं भी नौकरी की तलाश में एक ज्योतिषी के पास गया था। उसने बोला बच्चा तेरे को नौकरी मिलेगी, मगर नौकरी तुझे मिलेगी किसी रिश्तेदार की मदद से। तो मैंने सोचा कि इस शहर में मेरा रिश्तेदार कौन है, तो मालूम हुआ कि तुम्हारी पत्नी मेरी दूर की रिश्तेदार है। तो ज्योतिषी पे भरोसा करके नौकरी की तलाश में यहाँ पहुँच गए। लेकिन बाप बनने का चक्कर क्या है? अरे यार, ये चिट्ठी देखो, मेरी पत्नी ने गांव से लिखी है। मेरी पत्नी भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आपकी पत्नी ये मेरा है। अब जाके ज्योतिषी को दिखाता हूँ। आए, पहचाना मुझे? पहचाना मुझे? अबे तूने तो बोला था तेरी मनोकामना तेरे रिश्तेदार से पूरी होगी। मुझे भी यही बोला था तूने। ओ, तुम दोनों गुरुवार को आए थे? गुरुवार? गुरुवार को हर चिट्ठी में यही संदेश लिखा होता है कि तुम्हारी मनोकामना तुम्हारे रिश्तेदार के द्वारा पूरी होगी। शुक्रवार को तुम्हारे दोस्त के द्वारा पूरी होगी। शनिवार को तुम्हारे पड़ोसी के द्वारा। और रविवार को छुट्टी होती है। बात अभी दिखाता हूँ तुझे।
मन में कुछ और नहीं है तेरी चाहत के सिवा, सारी दुनिया में नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा। और नहीं है तेरी चाहत के सिवा। जरूरत ही नहीं तेरी जरूरत के सिवा, सारी दुनिया में नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा। मन में कुछ और नहीं है तेरी चाहत के सिवा, सारी दुनिया में नहीं कुछ भी मोहब्बत।
क्यों कर दिया? धोखे से बुला के हमें बंदी बना दिया? अरे बंदी बनाए तो क्या हुआ? चिकन बिरयानी नहीं खिला? टीवी पे लेटेस्ट इंग्लिश पिक्चर नहीं दिखा? अरे चिकन बिरयानी की छोड़ो, मेरे बीवी बच्चों की सोचो, हमारे घर वाले कितने परेशान हो गए। शांति शांति रखो, शांति रखो। देखो हमारे खुराना साहब की पॉलिसी है, अरे पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, धमकी देना, किडनैप करना। अभी गए गवर्नर साहब के पास खुद को झटका लगाने के लिए, आने के बाद आप सबको झटका लगाएंगे 460 वोल्ट। अरे पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, झटके पे झटका। आओ मेरे पीछे। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। अब होने वाले पार्टी के मीटिंग में मैं अपनी ताकत का, अपनी पोजीशन का सबूत देना चाहता हूं, इसलिए आप सब लोग मेरी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मेरा साथ दो, ताकि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। लेकिन उन्हें सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा एमएलए हैं, हम 40 उन्हें कैसे नीचे गिरा सकते हैं? अगर उन्हें नीचे गिराना है तो 80 एमएलए और चाहिए, और हम लोग सिर्फ 40 है, और 40 कहाँ से लाएंगे? जैसे आप आए वैसे वो भी आ जाएंगे, हम उनको बिरयानी खिलाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, फिर वो भी हमारे हो जाएंगे। तो क्या? मैंने क्या, मैंने तो आइडिया दिया। मगर ऐसा करने से कोई गड़बड़ हुई तो? अरे तुमको उठाकर लाया तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे बाकी के एमएलए के हम बच्चे उठाएंगे, बीविया उठाएंगे, लेकिन हमारे मालिक की कुर्सी फिक्स करेंगे। तो क्या? मैंने क्या किया, मैंने तो आइडिया दिया। इधर बैठ। तो देखो कोई भी समस्या आई तो मैं उसे सुलझा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन के लिए कोई भी एक्शन ले सकता हूं। तो क्या जी? जरा वो माल से भरे हुए बैग इन लोगों को दिखा दो। अभी दिखाता हूं। जल्दी खुल जा सिम सिम टड़न टड़े। ये तो सिर्फ एडवांस है, अब बताओ आप लोग मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट करेंगे या नहीं? हाँ, 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 सपोर्ट करेंगे। शाबाश शाबाश। हेलो तू क्या स्पीकिंग? मालिक मालिक एक मिनट, ओ फोन आया था, अब जरा बाजू में आना, बाजू में, बाजू में। मालिक मालिक वो डीएसपी ज्योति है ना, वो कल शंकर को कोर्ट में हाजिर करने वाली है। कल ना? है ना, अभी तो पूरी रात बाकी है, 12 घंटे। इन 12 घंटों में हाजिर को गैर हाजिर करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। शंकर सो रहा है, जाओ उसे हमेशा के लिए सुला दो। और सुनो, अगर 2 मिनट में उस हरामजादे को खत्म नहीं किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मेरे प्रमोशन का सवाल है, जाओ जाओ। क्यों मारा मुझे? ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। Thank you.
खाकी वर्दी पहनकर कानून से धोखा करता है कुत्ता, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हरामजादे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मार साले को। पुलिस स्टेशन को शराब का अड्डा बना रखा है। जिस गुनाहों की जंजीर से तुम लोगों ने कानून को कैद कर रखा है, आज उसी जंजीर को मैं तेरी मौत का फंदा बना दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो फिर बता, कौन मारना चाहता है शंकर को? किसके कहने पर उन गुंडों को लॉकअप में भेजा, बोल। मैडम, अगर बता दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। बताता हूँ, बताता हूँ, मंजीत खुराना और DIG। मंजीत खुराना। IG होने के नाते मेरे पास इतने पावर्स हैं कि मैं तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन हायर अथॉरिटीज इस पर ऑब्जेक्शन ले सकती हैं। सर, आप जिस हायर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वही असली मुजरिम है सर, वही सब इंस्पेक्टर की मौत का कारण है, और वो ये चाहता है कि शंकर कोर्ट तक ना पहुंच सके। सर, उसके हर जुर्म के सबूत मेरे पास हैं, इसलिए मैं अपने सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहती हूं, और मैं ये साबित कर सकती हूं कि मैं बेगुनाह हूं और वो मुजरिम है। ज्योति, जोश में इंसान सिर्फ अपने होश खो सकता है, कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। तुम डायरेक्ट कोर्ट जाओ और वहां से अपने सस्पेंशन ऑर्डर्स पर स्टे ले लो, सस्पेंशन ऑर्डर्स रुकवा दो। थैंक यू सर। डोंट वरी मिस ज्योति, लंच के बाद जैसे जज साहब आएंगे मैं आपको स्टे ऑर्डर दिला दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। हेलो, आनंद शर्मा स्पीकिंग। जज साहब, खुराना साहब चाहते हैं कि आज कोर्ट में आप DSP ज्योति का केस अटेंड न करें। आई एम सॉरी मिस ज्योति, आज जज साहब को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, अब मैं आपको स्टे ऑर्डर मंडे को ही दिला पाऊंगा। कौन हो तुम? शंकर, शर्म आती है मुझे तुम जैसे न्याय के ठेकेदार पर। तुमने मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की? जरूरत तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने की करूंगा, जरूरत तो मैं सारे शहर को इकट्ठा करने की करूंगा, जरूरत तो मैं तुम्हारी पत्नी को बदलाने की भी करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मुझे रुपए नहीं, दस्तखत चाहिए स्टे ऑर्डर पर। स्टे ऑर्डर? जी हां, ज्योति के सस्पेंशन ऑर्डर को रद्द करने वाला स्टे ऑर्डर, ताकि DSP ज्योति फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके।
कल मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा और मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम लोग याद रखो, कल कोई गड़बड़ ना हो जाए और कल का शपथ समारोह ऐसा हो जो आज तक किसी मुख्यमंत्री का ना हुआ हो। सब इंतजाम ठीक है ना? यस सर। यस डीएम साहब हैं? जी अंदर हैं, आप बैठिए। थैंक यू। Request Mr. Manjeet Khurana to come to the dais and take the oath of the office as the Chief Minister of the state. DSP Jyoti, इस arrest warrant पे तुम्हें Minister Khurana को शपथ लेने से पहले गिरफ्तार करना होगा। अगर उसने Chief Minister बनने की शपथ ले ली, तो ये arrest warrant बेकार हो जाएगा। Right sir. As per the Constitution of the India, I, Manjeet Khurana. Promise to discharge. DSP, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। तुम्हें सब इंस्पेक्टर शर्मा का खून करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। शट अप! कौन कहता है मैं खूनी हूँ? ये अरेस्ट वारंट कहता है, कानून कहता है, मैं कहती हूँ। अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर पर मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया है और अब मैं पूरी कानूनी पावर के साथ इसे अरेस्ट करने आई हूँ। इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर से टकराने की भूल मत करो। क्या तुम चीफ मिनिस्टर के पावर को नहीं जानती? जिस नेता ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके कई जुर्म किए, बलात्कार किए, मासूम इंसानों के खून किए, ऐसा गुनहगार, ऐसा मुजरिम अगर आज चीफ मिनिस्टर बन गया तो हमारे स्टेट का क्या होगा? वाह! एक पुलिस ऑफिसर हमारे सामने भाषण देकर हमें ही गालियां दे रही है। मुझे गिरफ्तार करोगी? मुझे? जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? पहले तुम अपने अंजाम की सोचो। भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात किया है तुमने। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा जनता को दिखाकर तुम्हें बेनकाब कर दिया है। जुबान संभालो अपनी, मेरे चाहने वाले तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहुत पछताओगी, बहुत।
यू डोंट नो माई पोजिशन। तुम्हारी पोजीशन की बहुत धमकियां सुन चुकी हूं मैं, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगी कि तुम्हारी असली पोजीशन क्या है। आई जी, क्या बक रही है ये? सॉरी सर, ये कानून का हुक्मनामा है, इसे मानना हम सबका फर्ज है। मालिक, डीएसपी ज्योति के स्टे ऑर्डर पर जज साहब से शंकर ने जबरदस्ती साइन ली, मां कसम। डीएसपी साहिबा, ये तो बताइए कि आप अपने सस्पेंशन पर स्टे ऑर्डर कहां से लाई? जैसा आप बताइए इन्हें कि शंकर ने किस जबरदस्ती से स्टे ऑर्डर पर आपके साइन लिए, बताइए। हां साहब, मुझे पिस्तौल दिखाकर स्टे ऑर्डर पर जबरदस्ती शंकर ने साइन करवाए। तेरे कानूनी हाथ कट चुके हैं, फिर भी तूने कानूनी पावर का इस्तेमाल किया। सारी जनता के सामने मेरी शपथ रुकवाकर होने वाले मुख्यमंत्री का अपमान किया है तूने, मेरी इज्जत उतारी। आज मैं भी तेरी इज्जत उतारूंगा। डीआईजी, यस सर। देखता क्या है, उतार दे इसके फीते, इसके वर्दी सारी जनता के सामने, जल्दी।
रुको रुको। आज तेरे सारे काले कारनामों की सजा दूंगा, जनता को बदला दूंगा कि तुझ जैसे गंदे नेताओं का हश्र क्या होता है, उसका अंत क्या होता है, ताकि तुझ जैसा कोई गंदा आदमी नेता बनने की जुर्रत ना करे, फिर कोई गांव सोनापुर जैसा बर्बाद ना हो जाए। यही जनता की अदालत है, जनता की आवाज है, जनता का फैसला।